चाय नहीं पिया। तो क्या करूं, कितनी सीटी लगा बनी है चाय। सीटी नहीं लगी बिना सीटी के गांव में आने के बाद समझ। कुछ चाहिए? राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज हमारे घर में है सत्यनारायण जी की कथा। तो ये मैंने कुछ फूल और पत्तियाँ इकट्ठी कर ली हैं पूजा के लिए, और यहाँ पे दीदी बना रही है प्रसाद, और फिर भाभी ने सबको चाय पिलाया है। कभी कोई कुकर में चाय नहीं पिया। तो क्या करूं, कितनी सीटी लगाकर बनी है चाय। ये है भाभी की स्पेशल ट्रिक बिना सीटी के गांव में आने के बाद समझ। गाँव का तरीका ही ये आपके गाँव का। हमारे यहाँ कुकर की जनसंख्या ज्यादा है ना, इसीलिए कुकर यहाँ भी कुकर यहाँ भी कढ़ाई में चाय बना लिया है। आप कुकर की बात कर रही हैं, मैं भी बनाई हूँ कढ़ाई में। वाह जी वाह। रोहल की बुआ जब तभी भैया कहते हैं सीताराम बुद्धि तेज। तो भाभी से थोड़ा सा ज्ञान लेने के बाद मैं यहाँ बाहर की तरफ आई हूँ बाकी की तैयारी देखने के लिए। तो यहाँ भी सब तैयारी हो गई है। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर में। यहाँ पे शुरू हो गई है सत्यनारायण जी की कथा। और इधर मामा जी बाकी के प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं जो अभी कथा होने के बाद में बांटा जाएगा। और अब यहाँ पे लीची भी सो के उठ गई है, अपने दादाजी की गोद में है। और यहाँ पे सभी बैठे हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Thank you.
बोलो श्री सत्यनारायण जी की जय। चलिए अब मैं आपको एक बार बाहर से मंदिर का पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि ये मंदिर कैसा है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।